तो अचारी हर्बी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ज्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सहर आरुन किचन। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अचारी अरबी या अचारी घुइयां। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ मैंने 300 ग्राम ली हैं अरबी और इसको हम 3 से 4 बार पहले धो लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी जो है वो ज़्यादा लगी होती है। और इसके बाद हमें इसे एक सीटी लगा के बॉयल करना है। एक ही सीटी लगानी है क्योंकि हम ये सिर्फ 85% तक ही इसे बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा पूरा 100% बॉईल कर लेंगे पहले से ही और फिर सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी जो है वो सौगी हो जाएगी, वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो रियल आना चाहिए। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है कुछ मसाले, आधा चम्मच लिया अजवाइन, 1/4 चम्मच ये कलौंजी, 1/4 चम्मच कुटी हुई सौंफ यह पाउडर भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच लिया है मैंने सरसों और कुछ दाने लिए हैं मैंने मेथी के और थोड़ी सी लिए हींग। तो ये अचार का मसाला है। और इसके बाद यहाँ मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, मिर्च नहीं है, सिर्फ कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं है। और 1/4 चम्मच लिया धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच लेना है हमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए हम बनाने से शुरू कर लेते हैं। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और टिफ़िन में रखने वाली सब्ज़ी होती है क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी होती है और पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेसिपी है, वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सीटी लगाकर अरबी को बॉईल कर लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। कट करने का तरीका मैं दिखा रही हूँ, पहले हम बीच से इसे दो करेंगे और फिर इस तरह से हम दो कर देंगे। बहुत मोटे पीस नहीं रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे तो फिर ये जिस तरह हम कुरकुरी बनाना चाह रहे हैं वैसी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप सारी इसे पहले कट कर लें। तो यहाँ हमने कढ़ाई में रख दिया है सरसों का तेल, तो सरसों के तेल में ही मैं अपनी सारी चीज़ें बनाती हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले अरबी, थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ हम दो हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे, तो इसी में हम डाल देते हैं हरी मिर्च को भी। बहुत ज़्यादा इसे ना चलाएं क्योंकि ये अरबी जो है वो बहुत सॉफ्ट है। तो इसे हो गए हैं 4 मिनट और अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है और मिर्च भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो ऐसे ही हमें ये चाहिए थी। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें जो हमने मसाला लिया था ये सूप, तो ये सारा हम इसमें डाल देते हैं और 3 से 4 सेकंड इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ तो इतना ही यूज़ करें क्योंकि अरबी भी हमारी कम है और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर ज़्यादा यूज़ कर लें। अच्छी तरह इसको भून लेते हैं हम ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं ताकि ये गले नहीं। इसको भून लेते हैं हम 2 मिनट और 2 मिनट हो गए। इसके बाद हम ये सूखे जो पाउडर मसाले लिए थे ये हम सारे इसमें ऐड कर देते हैं।
लौंग की और मेथी की जो है वो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसमें। और इसके बाद हम इसमें जो हमने अरबी ली थी फ्राई करी थी वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ हम इसे पका लेते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हम इसे चलाएंगे ताकि जो मसाला है वो अरबी पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और जो अरबी है वो टूटे भी नहीं। तो अच्छी तरह से हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। नमक आप इसमें टेस्ट कर लें कि नमक ठीक है, अगर नमक कम हो तो फिर आप और डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि अलग अलग ये रहें और अलग रहेंगी तो ये क्रिस्पी रहेंगी और टूटेंगी नहीं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी गरम मसाला। तो इसको हो गए हैं 4 से 5 मिनट। इसमें डाल देते हैं हम 1 चुटकी आमचूर पाउडर। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप खट्टा पसंद करते हो। और अगर खट्टा नहीं पसंद करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गई है बिल्कुल रेडी। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम सर्व करते हैं। तो अचारी अरबी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार हुई हैं और टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और ब्रेकफास्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। पूरी या पराठे के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो इसे ज़रूर से बनाएं और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।